हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर नंबर 29 ऑफ एंटोमोलॉजी में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है राइस के पेस्ट। ठीक है, तो आप इससे पहले भी देख रहे होंगे कि हमने जो लेक्चर नंबर 28 पढ़ा है या फिर 27 पढ़ा है, वहाँ पे भी हमने राइस के पेस्ट को डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ पे जो पेस्ट थे वो बोरर्स नहीं थे। ठीक है, तो बोरर्स जो है वन ऑफ द मेजर पेस्ट हैं राइस के। तो हमने इसको सेक्शन वाइज बांट दिया था। हमने जो पहले पढ़ा है एक मेजर पेस्ट पढ़ा था, फिर जो 28 लेक्चर था उसमें माइनर पेस्ट को हमने पढ़ा। अभी जो है मेजर पेस्ट जो है बोरर्स, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 29 में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को भी या फिर अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या फिर पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करो, जहाँ से आपको रेगुलर क्विजेज और हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो कर सकते हो। और साथ साथ हमने एक ऐप बनाया है, GFA एजुकेशन ऐप, जहाँ पे आपको हमने क्या किया है, सारा चीज़ कंबाइन कर दिया है। आपको जो 4 ईयर यानी BSc के लिए जो भी नोट्स चाहिए एग्रीकल्चर में, वो 4 ईयर नोट्स हैं वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड, एग्री मून से आपने देखा होगा 49 बुक्स हैं हमारे पास, वहाँ से भी उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ कुछ कुछ हमने हैंड नोट्स भी अवेलेबल करवाया है वहाँ पे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और उस ऐप का एक और फायदा है कि हमारी जितने भी लेक्चर्स होती हैं वो आपको एक साथ उस ऐप में मिल जाएंगी। ठीक है, आपको बार बार यूट्यूब नहीं कर ओपन करना पड़ेगा, आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं वहाँ पे सीरियल वाइज मिलता चला जाएगा। जैसे जैसे वहाँ पे हम वीडियो अपडेट करेंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे भी वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वेरी फर्स्ट टॉपिक को, जो है पेस्ट ऑफ राइस। तो हमने पेस्ट ऑफ राइस में जो पढ़ना है वो है मेनली आज बोरर्स, जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, तो बोरर्स आर दी मेजर पेस्ट। ठीक है, मेजर पेस्ट है। और कौन कौन से बोरर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, किन किन इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है येलो स्टेम बोरर, फिर है गॉलमिच, थर्ड है स्वार्मिंग कैटरपिलर, फोर्थ लीफ फोल्डर, फिफ्थ इज द राइस केस वॉर्म, सिक्स इज राइस स्किपर, सेवन्थ इज स्पाइनी बीटल जिसको हम राइस हिस्पा भी कहते हैं, एट्थ नंबर जो है होल मैगॉट, नाइन्थ इज द राइस हॉर्न कैटरपिलर एंड टेंथ इज द येलो हेरी कैटरपिलर। इसके बारे में तो आपने जनरली पढ़ा भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, सो मेजर पेस्ट। तो मेजर पेस्ट में सबसे पहला जो है वो है हमारा येलो स्टेम बोरर। ठीक है, जिसका जो ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टेरा। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, चाइना, इंडिया, श्रीलंका, तो जो भी जो हमारा राइस बेल्ट एरिया है, जहाँ पे राइस को हम ज़्यादा लगाते हैं, वहाँ पे इनका इन्फेस्टेशन है, इसीलिए वन ऑफ द मेजर पेस्ट है ये। ठीक है, अगर बात करते हैं इनका होस्ट स्ट्रेन, तो बेसिकली राइस पे ही क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। अब इनको कैसे पहचानना है, तो अगर हम बात करें सिम्टम्स पे, तो सिम्टम्स में क्या करते हैं, सेंट्रल सूट जो होता है उसमें डेड हर्ट करते हैं। अब डेड हर्ट कैसा दिखता है, तो आप ये वाला इमेज देखो, मतलब जो सूट है उसको बीच में से खोखला कर देते हैं और वो रेडिश और ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो ये डेड हर्ट का सिम्टम है, लेकिन ये किसमें दिखेगा, यंग सीडलिंग्स में। ठीक है, ड्राइंग ऑफ द पैनिकल इन द ग्रोन अप प्लांट। अगर पैनिकल जो है, पैनिकल इन द सेंस क्या, पैनिकल मतलब अगर आप पूरा ऑयल प्लांट समझ लो, ये जो पैनिकल्स होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फ्रूट्स में बात करें तो आप ये नॉर्मल देख रहे हो, नॉर्मल जो ईयर है राइस का वो इस तरीके से होगा, लेकिन जो इन्फेक्टेड होगा उसमें जो ईयर होगा वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, यानी व्हाइट ईयर जो है वो सिम्टम होता है फ्लॉरिंग स्टेज में, या फिर कह सकते हैं फ्रूटिंग स्टेज में। ठीक है, और इसका जो डैमेज रेंज है वो 30-80% है, यानी जो डैमेज करता है वो 30-80% ऑफ द क्रॉप को कर देता है, डिपेंड अपॉन द इन्फेस्टेशन, कितना इन्फेस्टेशन हुआ है। सो, अगर हम बात करें इसका ETL, ETL मींस हमें कब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, किस स्टेज पे, यानी इसको ETL को हम बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, कब हमें IPM प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है इस पे, तो IPM हमें कब करनी है, जब अगर 2 एग मासेस हमें दिखे पर मीटर स्क्वायर एरिया पे, या फिर 10% डेड हर्ट दिखे हमें वेजिटेटिव स्टेज पे, या फिर 2% ऑफ दी जो ईयर है व्हाइट हो जाए फ्लॉरिंग स्टेज पे। ये जो है वो एक मास है, ठीक है, ये जो है वो एडल्ट है, और ये जो है उसका लार्वा है। अगर इसके बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो फीमेल मोथ जो है वो ब्राइट येलो ब्राउन कलर की होती है, जिनके फोर विंग पे बात करें तो ब्लैक स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, और उनके जो एनल हेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि येलो कलर के होते हैं। एनल हेयर्स मीन्स जहाँ पे एनल विंग है ना, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल के केस में। अगर मेल बात करें तो फीमेल से छोटे होंगे। ठीक है, पेल येलो फोर विंग तो होगा लेकिन उस पर ब्लैक स्पॉट नहीं होगा। आप फीमेल में देखो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होता है। ईच फीमेल अगर बात करें तो 170-200 एग्स देती है, एग्स देती है। इन्हें मास ऑफ, अगर मास बात करें तो 15-80। ठीक है, ये है एग मास जिसके अंदर डिफरेंट एग्स होते हैं, तो ऐसे 15-80 एग मासेस को बनाती है, जिनमें लगभग कितने एग्स होते हैं, 172 लेके 200 एग्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, बात करें तो ये एक कहां पे होगा, अपर सरफेस ऑफ द लीफ पे होगा, ठीक है, और बफ कलर्ड हेयर, कलर्ड जो हेयर्स प्रेजेंट होता है उनके एक के ऊपर में। तो ये हमारा हो गया इनके ईटीएल के बारे में, ठीक है, और बायोनॉमिक्स के बारे में। अब इनको मैनेज कैसे करना है, इनको कंट्रोल कैसे करना है, तो अगर इनके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला है ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक जयान रत्ना, ठीक है, रेजिस्टेंट वेराइटीज लगाओ, ठीक है। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, हमें क्लोज प्लांटिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि इन्फेस्टेशन अगर हो रखा है आसपास के प्लांट में ताकि दूसरे पे ना जाए। कंटिन्यूस वाटर जो स्टैग्नेशन होता है उसको भी अवॉइड करना है अर्ली स्टेजेस पे। कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डेड हर्ड्स एंड वाइट ईयर्स, जो इन्फेक्शन वाला प्लांट है उसको क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो। सेटअप लाइट ट्रैप्स टू अट्रैक्ट एंड किल द मॉथ्स, हमें मॉथ्स को किल करना है, ठीक है, तो इसलिए हम लाइट ट्रैप्स लगाएंगे, ठीक। सिक्स फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे ताकि उनके पॉपुलेशन को मॉनिटर कर सकें, ठीक है, जिसमें मास ट्रैप ज्यादा को ट्रैप कर सकते हैं। हम एक पैरासिटॉइड को रिलीज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पैरासिटॉइड क्या होता है, ऐसा पैरासिटॉइड जो एक को डायरेक्ट किल कर दे, यानी पेस्ट के एक स्टेज को ही किल कर देगा। अप्लाई बैसिलस थिरंजेसिस और नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट इन द कॉम्बिनेशन साथ साथ, ठीक है। बीटी वैरायटी ऑफ, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कुर्स्ताकी, ठीक है, और नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट को भी हम क्या करेंगे, साथ साथ यूज करेंगे बीटी के, ठीक। अगर हम केमिकल मैनेजमेंट या फिर अगर बात करें केमिकली, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कार्बोफ्यूरिन 3G एट द रेट ऑफ 25 kg, ठीक। और अगर हार्वेस्ट के टाइम पे बात करें तो हार्वेस्टिंग जो है हमें कैसे करना है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, जमीन से एकदम काटेंगे, जमीन के जस्ट लेवल से ऊपर से वहां से काटेंगे ताकि कोई भी इन्फेस्टेशन का कुछ पार्ट वहां बचा ही नहीं। और उसके बाद भी जो स्टबल बच रहा है, जो निकला है हुआ है, उसको उसको डिस्टर्ब कर देंगे ताकि जो भी एक मास है सब खत्म हो जाए, और हम उसको प्लो कर देंगे इमिडिएटली ताकि जो भी मिट्टी में है या फिर जो भी इनका जो भी स्टेज प्रेजेंट है वो लाइट से या फिर जो बर्ड्स हैं उसको आके क्या कर जाए, खा जाए, मतलब सारा चीज खत्म हो जाए। तो ये इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। तो ये हमने पहला पेस्ट कंट्रोल जो है उसका कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं जो हमारा सेकंड पेस्ट है वो है गॉल मिर्च, ठीक है। अगर इसके ऑर्डर के बारे में बात करें तो डिप्टेरा, डिप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया, ये भी हमारा जो राइस बेल्ट है वहां पे मेनली इन्फेस्टेशन करता है। होस्ट रेंज में बात करें तो जो हमारा जनरल जो डोमेस्टिक राइस है जिसका हम यूज करते हैं, वाइल्ड स्पीसीज ऑफ अराइजा, राइस की जो वाइल्ड स्पीसीज है उनको, ग्रासेस, ठीक है, जैसे लाइक पैनिकम स्पीसीज जो है, ठीक है, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन जो है, जो कि एक वीड है, ये इन पे भी क्या करता है, इन्फेस्टेशन करता है। इनके अगर डैमेज सिम्टम के बारे में बात करेंगे तो मैगॉट्स जो होते हैं, मैगॉट्स मतलब जो एडल्ट अभी नहीं हुआ है, फीड्स एट द बेस ऑफ द ग्रोइंग सूट, जो सूट जो ग्रो कर रहा है इस जगह पे मैगॉट्स जो है इन्फेस्टेशन करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब लाइक गॉल सिमिलर टू ऑनियन नीडल, जैसे अनियन में आप ऑनियन का अगर प्लांट देखते होगे तो ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से राइस का जो है पैनिकल वगैरह, पैनिकल नहीं कह सकते, जो उनका जो लीफ वगैरह है वो किस तरीके से हो जाता है, अनियन नीडल टाइप, जिसको हम लोग सिल्वर सूट भी कहते हैं, ठीक है। और जिनमें ज्यादा इन्फेस्टेशन हो जाएगा, जो जो टिलर्स ज्यादा इन्फेस्टेड हैं उनमें पैनिकल्स ही नहीं बनेंगे। पैनिकल्स वो पार्ट होता है राइस का जहां पे जो टिलर्स हैं जिनमें जिनमें क्या कहते हैं क्रॉप या फिर ग्रेन लगता है, ठीक है, पैनिकल वो पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने इमेज से आपको समझाया है अनियन सूट अफेक्टेड टिलर्स, ठीक है, ये आई से फोटो लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डैमेज सिम्टम्स तो मैंने डिस्कस कर ही दिए, ठीक है। अगर बात करें ईटीएल के बारे में तो 10% सिल्वर सूट अगर दिख रहा है, ठीक है, यानी वही स्पाइनी जो निकला हुआ है, तो हमें आईपीएम जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। बायोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ऑरेंज कलर्ड मॉस्क्यूटो लाइक फ्लाई इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, मतलब जो मॉस्क्यूटो लाइक फ्लाई होगा ऑरेंज कलर का, ठीक है, जो एग ले करता है 100 to 300 रेडिश कलर में, इलोंगेटेड ट्यूबुलर एग्स, ठीक है। और बात करें एक का पीरियड तो 3 से 4 दिन सस्टेन करता है, यानी एक के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। मैगॉट जो होंगे जो एक से निकलेंगे वो मैगॉट आर पेल रेड ड्यूरिंग फीडिंग एंड लार्वल पीरियड इज 8 to 10 days, उनका जो मैगॉट होता है वो रेड कलर का होता है और 8 से 10 दिन जो है उनका लार्वल पीरियड होता है। लाइफ साइकिल बात करें इनका टोटल तो लाइफ साइकिल जो है 15 से 20 दिन में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, इनकरेज अर्ली प्लांटिंग, ठीक है, ऑफ द क्रॉप विथ क्विक ग्रोइंग वैरायटीज, अगर हमें अर्ली प्लांटिंग करनी है तो क्विक ग्रोइंग वैरायटीज को हम लगाएंगे, ठीक है। यूज रेजिस्टेंट वैरायटीज लाइक शक्ति, विक्रम, ठीक है, इन तरह की वैरायटीज लगानी है। प्लो इमीडिएटली आफ्टर क्रॉप हार्वेस्ट, जैसे हमने क्रॉप हार्वेस्ट किया है प्रीवियस, हम उस टाइम पे प्लो कर देंगे ताकि इन्वेस्टेशन ना हो,
ठीक है, जो भी इन्फेस्टेशन हो भी वो भी किल हो जाए सनलाइट से और बर्ड्स वगैरह उनको खा जाए। रिमूव द अल्टरनेट होस्ट, जैसे इनका अल्टरनेट अगर राइस के आसपास में अगर आपको मान लो जैसे अभी जैसे साइनोडॉन डक्टाइलन वीड वगैरह जाता है तो उनको खत्म करो ताकि उन पे इन्फेस्टेशन जो वो हमारे क्रॉप पे ना आए। अप्लाई फर्टिलाइजर्स इन बैलेंस्ड मैनर, हम जानते हैं बहुत कभी कभी बहुत सारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से भी जो पेस्ट का इन्फेस्टेशन होता है ज्यादा होता है, तो इन सब चीज को भी अवॉइड करना है। अगर हम बात करें और मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, सेटअप लाइट ट्रैप, जो लाइट ट्रैप है उनको सेटअप करो, ठीक है। रिलीज लार्वल पैरासिटॉइड, ऐसे पैरासिटॉइड जो लार्वल स्टेज को खत्म करेंगे। कंजर्व प्रीडेटरी स्पाइडर्स, जो स्पाइडर्स इनके एग या फिर लार्वा को खाते हैं उनको कंजर्व करो, ठीक है, जैसे उनका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। या फिर अगर हम केमिकल मेथड में बात करें तो कार्बोफ्यूरिन 3G एट द रेट ऑफ 25 kg ये यूज कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो हमने दो इंसेक्ट या फिर दो पेस्ट का जो मेजर पेस्ट है उनको कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा थर्ड है वो है स्वार्मिंग कैटरपिलर। अगर इनके होस्ट रेंज के बारे में बात करें तो ये राइस को भी इन्फेस्ट करता है, मेज को भी, ज्वार, वीट, बार्ले, शुगर केन। तो हमारे जो भी कैश क्रॉप हैं, जो भी हमारे आप देखोगे तो जो भी हमारा मेन जो स्टेपल क्रॉप है उनको इन्फेस्टेशन इनका इन पे ज़्यादा इनका इन्फेस्टेशन होता है। तो ये भी एक मेजर पेस्ट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो ये लगभग ग्लोब में हर जगह पाया जाता है। अफ्रीका रीजन में भी है, इंडिया में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, ठीक है, साउथ ईस्ट में भी है, तो हर जगह ही है ये। ऑस्ट्रेलिया इस साइड में कॉन्टिनेंट, ओवरऑल द ग्लोब अगर बात करें तो हर जगह ही इन्फेस्टेशन करता है। डैमेज सिम्टम्स अगर बात करते हैं, दिस इज स्पोरेडिक पेस्ट, ठीक है, टाइम टू टाइम आता है। कॉज वेरियस सीरियस डैमेज टू यंग क्रॉप्स, सीरियस डैमेज करता है यंग क्रॉप्स में व्हेन इट इज अपीयर्स इन लार्ज नंबर, अगर लार्ज नंबर में हो गया तो। कैटरपिलर्स जो हैं फीड एट नाइट एंड हाई ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन के समय जो कैटरपिलर्स है वो अपने आप को छिपा लेते हैं। डैमेज लीव ब्लेड्स एंड पैनिकल्स, ठीक है, जो लीव ब्लेड होता है, जो एक लीफ है उसका जो कॉर्नर होता है उसको ये डैमेज करते हैं, ठीक है, और पैनिकल्स को भी क्या करते हैं, कट ऑफ कर देते हैं फ्रॉम द बेस। अगर मान लो ये अटैच्ड पार्ट है तो यहाँ से भी कट ऑफ कर देते हैं। अब जब ये पार्ट नहीं रहेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ग्रेन अच्छे नहीं लगेंगे प्लांट में, ठीक है। तो ये इसका हो गया हमारा डैमेज सिम्टम। अगर हम बात करते हैं इनके बायोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, तो बायोनॉमिक्स में क्या है कि एडल्ट मॉथ जो है मीडियम साइज का होता है, स्टाउटली बिल्ट डार्क ब्राउन विथ अ कंसीपियस ट्रायंगुलर स्पॉट ऑन दी फोर विंग, फोर विंग पे ट्रायंगुलर स्पॉट पाया जाता है। एग्स आर लेड इन मासेस, जैसे हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, ऑन लीव्स एंड कवर्ड विथ ग्रे हेयर्स, वहां पे हमने पढ़ा था ग्रे हेयर्स, यहाँ पे भी वहां ब्राउन हेयर्स था, यहाँ ग्रे हेयर्स है। दी एग पीरियड इज ऑफ 7 days। कैटरपिलर जो है वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, डार्क होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है, विथ लैटरल लाइंस अलोंग द बॉडी, बॉडी पे लैटरल साइड बाय साइड ऐसे, अगर ये है हमारा लार्वा तो इसमें लैटरल लाइंस ऐसे ऐसे लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लार्वा का पीरियड जो होता है 20 to 25 days का होता है। इट प्यूपेट्स इन द अर्थन ककून, आपने ककून देखा हो, ककून फॉर्मेशन, तो मिट्टी से बना हुआ ककून जो होता है इन सॉइल, उसमें वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है। और अगर बात करें इसमें जो टाइम लगता है वो 10 to 15 days का लगता है। तो ये है इसके बायोनॉमिक्स के बारे में, हमने जाना है इसको पहचानना कैसे है। अगर हम बात करें इनके मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, कंजर्व लार्वल पैरासिटॉइड जो लार्वा को किल करेगा, प्यूपल पैरासिटॉइड जो प्यूपा को किल करेगा उनको कंजर्व करना है, ठीक है। फ्लड द नर्सरी टू एक्सपोज द हाइडिंग लार्वा, पूरे फील्ड को क्या कर देना है, नर्सरी को हमें कर देना है एक्सपोज कर देना है वाटर से, पूरा वाटर भर देना है ताकि जो छुपा हुआ लार्वा बाहर निकल जाए, सरफेस पे आ जाए और उसको बर्ड्स क्या कर ले, पिक मतलब उठा के खा जाए। केरोसिनेट दी वाटर ड्यूरिंग इरीगेशन, जब वाटर अगर इरीगेट कर रहे हैं उस टाइम पे हम केरोसिन डाल दें ताकि जो उसमें जो लार्वा है वो किल हो जाए सफोकेट करके। अलाउ डक्स इन टू द फील्ड टू फीड द लार्वा, डक्स को छोड़ दो फील्ड में, ठीक है। ड्रेन दी वाटर फ्रॉम नर्सरी एंड स्प्रे क्लोरीफॉस 20 EC 80 ml या फिर इंडोसल्फान, ठीक है, 35 EC 80 ml ड्यूरिंग द लेट इवनिंग, मतलब केमिकल कंट्रोल हम इस तरीके से करेंगे। तो ये उसका हो गया मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो हमने तीन पेस्ट अभी टोटल डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें हमने उनका डिस्ट्रीब्यूशन, सिम्टम्स, बायोनॉमिक्स और मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया है। जो फोर्थ मेजर पेस्ट है वो है लीफ फोल्डर, और आपने इसका वीडियो भी देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह आप चलाते हो तो बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं वो लीफ फोल्डर का वीडियो वगैरह डालते हैं, कैसे अपने आप को फोल्ड करता है, जो लार्वा होता है लीफ को फोल्ड कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन बात करें इसके बारे में, तो पहले तो आप देख लो इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, जापान,
न्यू गिनिया, पाकिस्तान, तो ये जो ईस्ट कह सकते हैं एशिया के जो साउथ एशिया या फिर जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे ये इन्फेस्टेशन करता है ज़्यादा। होस्ट जो भी ग्रास फैमिली यानी वीट वगैरह भी होगा इसमें। डैमेज सिम्टम्स के बारे में बात करें तो कैटरपिलर फोल्ड द लीव्स लॉन्गिट्यूडनली एंड रिमेन इनसाइड। जो लीफ अभी ऐसे है, ठीक है, ये वीविंग करता है, यहाँ से पकड़ के इसको इसके साथ मर्ज कर देता है, फिर इसको पकड़ के यहाँ से मर्ज कर देता है, इसको पकड़ के यहाँ से मर्ज कर देता है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के यहाँ से मर्ज कर देता है, मतलब इस लीफ को क्या कर देता है, कर्ल कर देता है, और लीफ ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। इसी के अंदर क्या होता है, ये लार्वा रहता है या फिर कैटरपिलर जो है वो रहता है। इट स्क्रैप्स द ग्रीन टिश्यू ऑफ द लीव्स एंड मेक्स देम वाइट एंड ड्राई। जो लीव्स है वो व्हाइट एंड ड्राई हो जाएंगे, क्लोरोफिल को खा जाएगा। ड्यूरिंग सीवियर इन्फेस्टेशन द होल फील्ड एग्जिबिट स्कॉर्चेड अपीयरेंस, मतलब जला हुआ जैसा फील्ड लगेगा, लाल कलर येलो कलर का वो दिखेगा फील्ड, ठीक है। ईटीएल बात करें तो 10% ऑफ द डैमेज लीव्स इन वेजिटेटिव स्टेज, अगर दिख रहा है तो ईटीएल अप्लाई करो। 5% डैमेज जो लीव्स हैं, अगर फ्लैग लीव्स अगर 5% डैमेज हो गए हैं फ्लावरिंग स्टेज पे, तो वहाँ पे भी हमें ईटीएल अप्लाई करना पड़ेगा। इनके बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो एडल्ट मॉथ जो होगा ऑफन सीन इन द फील्ड ड्यूरिंग डे टाइम पे दिखते हैं। मॉथ इज ब्राउनिश विथ मेनी डार्क वेवी लाइन्स इन द सेंटर एंड डार्क बैंड ऑन मार्जिन ऑफ द विंग्स, विंग्स के मार्जिन पे डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। फीमेल मॉथ लेज एग इन बैचेस, 10 से 12 के बैचेस में, विच आर अरेंज इन लीनियर रो इन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ, लीफ के लोअर सर्फेस पे प्रेजेंट होगा। एक जो पीरियड है वो 4 से 7 दिन का होता है। लार्वा जो होगा 15 से 20 मिलीमीटर लंबा होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक्टिवली मूविंग कैटरपिलर होता है। लार्वल पीरियड अगर बात करें तो 15 से 20 दिन का होता है। द प्यूपा इज ग्रीनिश ब्राउन कलर, प्यूपा जो होगा जो लार्वा से बनेगा वो ग्रीनिश ब्राउन कलर का होगा। प्यूपल पीरियड जो है 6 से 8 दिन, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। तो जो टोटल जो इनका लाइफ साइकिल है वो 25 से 35 डेज का है, ठीक है। तो ये हो गया इसके ईटीएल और बायोनॉमिक्स के बारे में। अब इसके मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। अगर इसे मैनेज करना है तो हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज ग्रो करनी होंगी, ठीक है। ट्रिम द बर्न्स एंड रिमूव ग्रासी वीड्स, जो भी वीड्स हैं जो कि इनके अल्टरनेट होस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रास पे ये इन्फेस्टेशन करता है, तो उनको रिमूव करना है। अवॉइड यूज ऑफ एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। सेट अप द लाइट ट्रैप्स टू अट्रैक्ट द मॉथ्स एंड किल द मॉथ्स, ठीक है। स्प्रे एनी ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इन 500 लीटर वाटर पर हेक्टेयर, ठीक है। ऊपर जो हमने यहाँ पे दिया है जो केमिकल्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल के लिए। ईटीएल जो है हमने डिस्कस तो कर ही लिया था, इवन हमने ये दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिया है, लास्ट हमारा मैनेजमेंट था। आई होप बच्चे आपको अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेस्ट की तरफ जो है राइस केसवॉर्म, ठीक है। ये केस बनाता है इसीलिए राइस केसवॉर्म कहते हैं, और इसका जो ऑर्डर है वो है लैपिडोप्टेरा। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया। होस्ट प्लांट जो है वो राइस है। डैमेज सिम्टम में अगर बात करें तो फोल्डिंग लीफ केसेस, लीफ के केसेस बन जाते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म जो है वो लीफ कन्वर्ट हो जाता है। बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो बायोनॉमिक्स में क्या है, एडल्ट इज अ डेलिकेट, या फिर पहले आप देख लो कैटरपिलर जो है वो फीड करता है ग्रीन टिश्यूज के ऊपर, ठीक है, ग्रीन टिश्यूज ऑफ द लीफ एंड फॉर्म अ ट्यूबुलर केस अराउंड द अराउंड देम, मतलब लीफ में ट्यूबुलर केसेस बना देता है बाय कटिंग द एपिकल पोर्शन ऑफ द लीव्स, ठीक है। जो आगे का जो पार्ट है लीफ का, ये जो एंड है, अगर प्लांट से यहाँ से जुड़ा हुआ तो ये जो एंड है इसको कट करके क्या करता है, केस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अगर बात करें सीवियर इन्फेस्टेशन हो जाता है प्लांट में तो फिर ग्रो ही नहीं कर पाता, मतलब प्लांट डैमेज हुआ अगर सीवियर इन्फेस्टेशन में तो प्लांट खत्म, ठीक। डैमेज अगर बात करें तो लीफ टिप्स पे ज्यादा होता है। एपिकल पोर्शन ऑफ कट लीव्स बियर व्हाइटिश पेपरी एरियाज, ठीक है, मतलब उसका क्लोरोफिल सारा कुछ जो कंटेंट है तो खत्म हो गया, पेपरी एरियाज बचेगा, क्लोरोफिल क्योंकि वहां से खत्म कर दिया गया। तो ये इसका हो गया हमारा कैसे मतलब इनका जो डैमेज सिम्टम है वो क्या है, ठीक है। अब बायोनॉमिक्स पे आते हैं तो एडल्ट जो होता है डेलिकेट होता है, व्हाइट मॉथ होता है विथ पेल ब्राउन वेवी मार्किंग्स, ठीक है। एग आर लेड ऑन द लीव्स, एग जो होगा वो 2 से 6 दिन का होगा, मतलब उसके बाद से वो एक से लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा जो होता है पेल ट्रांसलूशेंट ग्रीन, ठीक है, विथ ऑरेंज हेड, ठीक है, ये अच्छा सा दिखता है इसका लार्वा, ठीक है, ऑरेंज हेड के साथ। लार्वल पीरियड जो है 14 से 20 डेज का होता है, ठीक। इनका जो लाइफ है वो सेमी इक्वेटिक होता है, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, ठीक है। इनका जो लाइफ है, जो लार्वा है उसका जो लाइफ है वो सेमी इक्वेटिक लाइफ है, ठीक है। इट प्यूपेट्स इन केस इटसेल्फ फॉर 4 to 7 डेज, कहने का मतलब 4 से 7 दिन में वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। टोटल लाइफ जो है वो 19 to 37 डेज का होता है। तो ये इसका बायोनॉमिक्स हो गया।
अगर हम बात करें इनके मैनेजमेंट के बारे में, तो वही है, कंजर्व द लार्वल पैरासिटॉइड, कंजर्व द प्यूपल पैरासिटॉइड। आप नेम याद कर लेना, मैं यहाँ पे नेम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी है जो मुझे रेगुलर बोलने में टंग ट्विस्ट करेगा, ठीक है? तो आप इस ये कर सकते हो, ठीक है? ड्रेन दी वाटर फ्रॉम द फील्ड, ठीक है? डिसलॉज दी केसेस बाय रनिंग अ रोप ओवर दी यंग क्रॉप, ठीक है? जो यंग क्रॉप है उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, रोप को लेके एक साइड से दूसरी साइड चले जाएंगे, ठीक है? स्प्रे दी इंडोसल्फान 35 EC, ठीक है? तो ये जो है पांच मैनेजमेंट का तरीका है इस पेस्ट के लिए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पेस्ट है वो है राइस स्किपर, ठीक है? जो कि लैपिडोप्टेरा में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, अफ्रीका। होस्ट रेंज जो है एक राइस यानी ग्रासेस और सुगर केन यानी हमारा जो कैश क्रॉप है उनको भी इन्फेस्टेशन में इन्फेस्ट क्या कहते हैं उन पे भी इन्फेस्टेशन करता है। डैमेज सिम्टम बात करें तो बैकवर्ड रोलिंग ऑफ द लीफ, जो लीफ है वो अंदर की तरफ कर्ल ना करके बाहर की तरफ कर्ल कर जाती है, ठीक है? ये इसका जो मेन सिम्टम है पहचानने का, ठीक है? आप यहाँ पे देखो, मतलब वो लीफ जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे है, ये इधर कर्ल ना करके ये बैकवर्ड कर्लिंग हुआ है। बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो एडल्ट बटरफ्लाई हैज ब्राउन कलर्ड विंग्स, ठीक है? आप देख सकते हो ब्राउन कलर विंग होता है इनका। कर्व्ड एंटीना, एंटीना जो है कर्व्ड होता है, ठीक है? घुमा हुआ, ठीक। एग्स आर लेड सिंगली ऑन द लीफ ब्लेड, सिंगल सिंगल लेफ एक को ले करती है लीफ ब्लेड के ऊपर। लार्वा जो है पेल ग्रीन विथ कंस्ट्रिक्टेड नेक होता है, ठीक है? कंस्ट्रिक्टेड मतलब दबा हुआ, ठीक है? तो ये इनको पहचानने का तरीका हो गया। अगर बात करते हैं इनके मैनेजमेंट के बारे में, तो जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमने जस्ट पीछे पढ़ा है, ठीक है, एक पैरासिटॉइड, लार्वा पैरासिटॉइड वगैरह को इंडोसल्फान वगैरह यूज करना, ये जनरल हम इस पे यूज करते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये सिक्स नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेवन्थ नंबर पे, जो है स्पाइनी बीटल, ठीक है? जिसको हम राइस हिस्पा भी कहते हैं और ये कॉलिप्टेरा ऑर्डर से है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन बांग्लादेश, बर्मा, सदर्न चाइना, इंडिया, वेस्ट मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, जो भी हमारे एशिया के कंट्रीज है मेनली, वो ज्यादा इन्फेस्टेशन होता है यहाँ पे, ठीक है? राइस इसका मेन होस्ट है। डैमेज सिम्टम बात करेंगे तो एडल्ट फीड ऑन क्लोरोफिल बाय स्क्रैपिंग, मतलब पूरा लीफ का क्लोरोफिल को खत्म कर देगा, ठीक है? एंड कॉज व्हाइट पैरेलल स्ट्रीक्स और व्हाइट पैचेस अलोंग दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द लीफ, ठीक है? ग्रब माइन इन टू द लीव्स एंड मेक ब्लिस्टर नियर द लीफ टिप्स, ठीक है? ब्लिस्टर्स मतलब क्या होता है, ऐसे कभी लगेगा जला हुआ रीजन, ठीक है? तो वो उस तरीके का लीफ में फॉर्मेशन करता है। बायोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट ब्लू ब्लैक साइनी बीटल होगा विद स्पाइंस ऑन दी थोरेक्स एंड इलाइट्रा। इलाइट्रा क्या है, विंग है, ठीक है? ग्रब इज माइन्यूट फ्लैट एंड येलो, ठीक है? ग्रब क्या होता है, एक के बाद क्या बनता है इनमें, ग्रब बनता है, ठीक है? एक के बाद लार्वा और उसके बाद क्या बनता है, ग्रब बनता है। एक पीरियड जो है 4 to 5 days का होता है, लार्वल पीरियड 7 to 12 days का होता है, प्यूपल पीरियड जो होता है 3 to 5 days का होता है, ठीक है? और जो इनमें अगर बात करें तो 6 generations जो है एक साल में निकल जाती है इनकी, ठीक है? तो जनरली 12 है तो आप कह सकते हो कि 2 month में इसका एक जनरेशन खत्म हो जाता है, यानी 60 days अप्रॉक्स ये जिंदा रहते हैं, ठीक है? अगर बात करते हैं इनके मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट जो है, लीफ टिप्स कंटेनिंग ब्लॉच माइंस शुड बी प्लग, मतलब तोड़ दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। मैनुअल कलेक्शन एंड किलिंग ऑफ द बीटल्स विथ हैंड नेट्स मे हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट। डस्ट द क्रॉप विथ 10% ऑफ द BHC डस्ट, ठीक है? अगर बात करें स्प्रे अगर करना है केमिकली तो इंडोसल्फान 1 liter 1.0 L जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास होल मैगॉट, ठीक है? जो ये है डिप्टेरा से बिलोंग करता है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो फिलीपींस, ठीक है? होस्ट रेंज राइस, साइनोडोन डेक्टालन जो कि एक वीड है, ठीक है? डैमेज सिम्टम में येलोइस व्हाइट लॉन्गिट्यूडनल मार्जिनल ब्लॉचिंग पाया जाता है। ब्लॉचिंग मीन्स अभी भी फिर वही जलता हुआ लगेगा, जला हुआ लीफ, ठीक है? लीव्स बिकम श्रिवल्ड, ठीक है? पतले हो जाएंगे, सिकुड़े से हो जाएंगे। प्लांट गेट सन्टेड, छोटे रह जाएंगे प्लांट। मैच्योरिटी इज डिलेड, ठीक है? जो मैच्योरेशन होना है, रिप्रोडक्टिव स्टेज से फ्रूट जो मैच्योर हो रहा है वो भी डिले हो जाएगा। मैक्सिमम डैमेज इज ऑब्जर्व ऑन 30 day ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जब इसको नर्सरी से अब 30 दिन हो गया ट्रांसप्लांट किए तो उस टाइम पे मैक्सिमम डैमेज दिखता है, ठीक है? अब हम बात करें अगर इनके बायोनॉमिक्स के बारे में, तो बायोनॉमिक्स में क्या है, द एडल्ट इज ए स्मॉल डल ग्रे फ्लाई, ठीक है? ये रहा एडल्ट, ठीक। मैगोट इज ए 2 mm
इन लेंथ। जो मैगॉट है वो छोटा सा होता है, 2 mm लेंथ का होता है, येलोइस व्हाइट इन कलर होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में अगर हम बात करें, ये देखो इसका लार्वा है, ठीक है, जिसको हम ग्रब भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैनेजमेंट अगर बात करें तो अप्लाई कार्बोफ्यूरन, ये हमारा केमिकल मैनेजमेंट हो गया, स्प्रे इंडोसल्फान 35 EC, ठीक है, इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इस चीज को। तो हमने 8 पेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा 9th है वो है राइस हॉर्न कैटरपिलर। ठीक है, ये जो ऑर्डर है उसका लैपिडॉप्टेरा है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडिया, इंडिया में हर जगह प्रेजेंट है, होस्ट रेंज राइस एंड मिलेट्स। ठीक है, डैमेज सिम्टम, द लार्वा ऑफ दिस बटरफ्लाई फीड्स ऑन द लीव ब्लेड ऑफ राइस। ठीक है, लीव ब्लेड जो होता है, लीव का जो कॉर्नर होता है उस पे ये फीड करता है। इवन आपने ये बटरफ्लाई अपने घर पे भी देखा होगा, कई बार आपको ये बटरफ्लाई दिख जाएगी जनरली। ठीक है, लीव्स आर इलोंगेटेड डिफोलिएटेड, ठीक है, फ्रॉम द मार्जिन एंड टिप इरेगुलरली। ठीक है, डिफोलिएट कर जाएगा लीव मार्जिन से और अपने टिप्स से। ठीक है, बायोनॉमिक्स है, तो बटरफ्लाई लेज राउंड व्हाइट एग्स सिंगली ऑन द लीव्स, सिंगल सिंगल एग ले करेंगी। कैटरपिलर्स इज ग्रीन स्लाइटली फ्लैटेंड विथ 2 रेड हॉर्न प्रोसेसेस। ठीक है, हॉर्न प्रोसेसेस ऑन द हेड एंड 2 येलो प्रोसेसेस इन द एनलिन। ठीक है, ये जो एनलिन यहाँ पे येलो होगा, यहाँ पे ऑरेंज होगा। ठीक, द बटरफ्लाई इज डार्क ब्राउन, आप देख रहे हो बटरफ्लाई को यहाँ पे, विथ लार्ज विंग्स, इनके विंग्स भी लार्ज होते हैं, हैविंग अ ब्लैक एंड येलो आई लाइक स्पॉट ऑन ईच ऑफ द फोर विंग। जो फोर विंग है यहाँ पे, ये वाला स्पॉट बताया जा रहा है, ये प्रेजेंट होगा। तो ये इस तरीके से इनको पहचानेंगे हम, राइस हॉर्न कैटरपिलर को। अगर हम बात करते हैं इनके मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट हमें उसी तरीके से करना है जैसे हम अभी लास्ट करते आ रहे हैं, मतलब केमिकली भी उस तरीके से, और जनरली जो पैरासिटॉइड वगैरह हैं, एक पैरासिटॉइड और लार्वल पैरासिटॉइड वगैरह यूज करना है, जनरल प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और जो हमारा लास्ट है वो है येलो हेरी कैटरपिलर, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, साउथ इंडिया में है। इसका ऑर्डर जो है लैपिडॉप्टेरा है, होस्ट रेंज जो है राइस ग्रासेस वीट। ठीक है, तो जो हमारे स्टेपल क्रॉप्स हैं और जो हमारे ग्रासेस में कुछ वीट्स आते हैं जैसे साइनोडॉन, उन पे भी इन्फेस्टेशन करता है। डैमेज सिम्टम, कैटरपिलर कॉजेस डिफोलिएशन, जो लीफ है वो टूट के गिरने लगेंगे। बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो कैटरपिलर इज येलोइश ब्राउन विथ रेड स्ट्रिप्स एंड हैज एन ऑरेंज हेड, उनका जो हेड होता है ऑरेंज होता है। टफ्ट ऑफ हेयर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ विच 2 इन द एंटीरियर एंड 1 ऑन द पोस्टीरियर रीजन आर प्रोमिनेंट। ठीक है, उनके बॉडी पे गुच्छे में हेयर प्रेजेंट होता है या फिर मास में हेयर प्रेजेंट होता है, जो 2 होगा एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर रीजन पे 1 जो है वो प्रोमिनेंट है, प्रेजेंट तो होगा ही होगा। इट प्यूपेट्स इन द पेल वाइट ककून, व्हाइट ककून में ये अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट करते हैं, ऑफ सिल्क एंड फ्रैस, फ्रैस भी जो है ककून बनता है उस मटेरियल से, फ्रैस उसको कहते हैं। अटैच टू द लीफ एंड द एडल्ट मोथ इज स्टाउट विद स्ट्रॉ कलर्ड फोर विंग, स्ट्रॉ कलर्ड फोर विंग होता है एडल्ट का। इट लेज एग मासेस अप टू 57 एग्स ऑन लीफ। ठीक है, एक पीरियड जो होता है 10 से 11 दिन का होता है, लार्वल पीरियड जो होता है 25 टू 35 डेज का होता है। तो इसका भी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो सेम तरीके से है जैसे हम अभी प्रीवियसली मैनेजमेंट करते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर आजकल थोड़ी हमारी लंबी हो जा रही है क्योंकि हम बहुत सारे पेस्ट को एक लेक्चर में कोशिश कर रहे हैं कवर करने के लिए, नहीं तो हम सिर्फ राइस क्रॉप पे ही डिस्कस करते रह जाएंगे। सो बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में, हमारे इंस्टाग्राम आप पे आके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर फॉलो करो, जहाँ पे आपको हमारे क्विजेज और हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, आप हमारे चैनल पे अगर नए हो, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी को भी इस लेक्चर का PDF या PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकता है, गो फॉर एग्रीकल्चर। साथ साथ मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया है, आप सिंपली टेलीग्राम ऐप में गो फॉर एग्रीकल्चर सर्च करना और आपको इस लोगो के साथ, ठीक है, इस लोगो इवन इस नेम के साथ आपको वहाँ पे 450+ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, आप उसे ज्वाइन कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।